सोलापुर को महाराष्ट्र का मैनचेस्टर कहा जाता है। यह कभी राज्य का चौथा सबसे बड़ा औद्योगिक शहर था। इसी गांव में एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मिल स्थित थी, इसलिए इसे गिरन गांव के नाम से भी जाना जाता था। यह शहर महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है और इसकी सीमा तेलंगाना से सटी हुई है। इसलिए सोलापुर शहर का व्यापार तीन राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना से जुड़ा हुआ है। शहर में 16,000 पावर लूम है जिन्होंने 40,000 लोगों के लिए रोजगार पैदा किया है। पावर लूम सेक्टर का वार्षिक कारोबार 2000 करोड़ रुपए है, उसमें से 400 करोड़ रुपए का कपड़ा निर्यात किया जाता है। शहर में रेडीमेड गारमेंट का भी बड़ा बिजनेस है। सोलापुर यह भारत में सबसे अधिक शुगर फैक्ट्री वाला जिला कहलाता है। सोलापुर में प्रिसीजन कैमशाफ्ट यह बहुराष्ट्रीय कंपनी, बालाजी अमाइंस यह रासायनिक उद्योग और एनटीपीसी का एक थर्मल पावर प्लांट तथा उसके इर्द गिर्द जाने माने कंपनियों की सीमेंट फैक्ट्रियां है। पिछले दशक में सोलापुर जिले की सकल वार्षिक आय में 14% की वृद्धि हुई है। यह 7 से 8 जिलों का विकास केंद्र है। इसे स्मार्ट सिटी योजना में भी शामिल किया गया है। सोलापुर शहर यह अक्कलकोट, तुलजापुर और पंढरपुर के केंद्र में बसा हुआ पर्यटन स्थल है तथा शहर में ग्राम दैवत सिद्धरामेश्वर मंदिर भी है। शहर और जिले में विकास की अपार संभावनाएं हैं। सोलापुर शहर 178 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह कई उपनगरों से घिरा हुआ है, लेकिन विस्तार के तुलना में सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं की भारी कमी है। ऐसे में लोग निजी वाहनों का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। जिले में दुपहिया और चौपहिया वाहनों की तादाद आबादी से ज्यादा है। शहर और जिले में निजी वाहनों की संख्या में हर साल 12% की वृद्धि होती है। यह आबादी से काफी ज्यादा है। नतीजतन यह प्रदूषित शहरों की सूची में देश के शीर्ष 10 शहरों में है। शहर के विकास में तेजी लाने के लिए परिवहन के आधुनिक और तेज साधनों की आवश्यकता है। मूल रूप से सोलापुर के रहने वाले विश्वविख्यात आईटी विशेषज्ञ श्री सुनील कुमार शिंदे एक ऐसी परियोजना लेकर आए हैं जो सोलापुर और पूरे देश के बी ग्रेड शहरों के लिए मेट्रो रेल के माध्यम से शहर और उसके परिवेश के विकास में क्रांति लाएगी। भारत सरकार ने शहरी विकास के लिए मेट्रो रणनीति 2017 की घोषणा की है और कहा है कि मेट्रो रेलवे बढ़ते शहरों की कई समस्याओं का समाधान है। सुनील कुमार शिंदे का सोलापुर मेट्रो प्रोजेक्ट सरकार की इस नीति के अनुरूप है। देश की कई शहरों में मेट्रो सेवाएं शुरू की जा रही है, लेकिन इसमें सोलापुर जैसे बी ग्रेड शहर शामिल नहीं है। इसलिए सोलापुर मेट्रो रेल परियोजना ऐसे शहरों के लिए गेम चेंजर साबित होगी। माना जा रहा है कि इससे शहर और आसपास के क्षेत्रों के विकास की रफ्तार बढ़ेगी। श्री सुनील कुमार शिंदे यह परियोजना 2 साल के सूक्ष्म अध्ययन के बाद विकसित की गई है। इस परियोजना में मेट्रो की कुल लंबाई 220 किलोमीटर होगी। इसमें न केवल सोलापुर शहर बल्कि आसपास के इलाके भी शामिल होंगे। सोलापुर मेट्रो के 7 मुख्य मार्ग हैं। उन मार्गों पर 101 स्टेशन है। मुख्य मार्ग सर्कुलर है और शहर के विभिन्न हिस्सों से होकर गुजरेगा। सोलापुर रेलवे स्टेशन, भैया चौक, मैकेनिक चौक, बस स्टैंड, जुनापुना नाका, रूपा भवानी, शेळगी, बाजार समिति, जुना बोरामणी नाका, शासकीय पॉलिटेक्निक, वॉलचंद कॉलेज, अशोक चौक, गुरुनानक चौक, पुलिस आयुक्त कार्यालय, 7 रस्ता और रेलवे स्टेशन। यह 15 किलोमीटर लंबा सर्कुलर मार्ग होगा। बाकी मार्ग पंढरपुर, तुलजापुर, अक्कलकोट, बोरामणी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एनटीपीसी, हत्तूर और तिरह से शुरू होंगे। इस मार्ग को मेट्रो के नक्शे पर विभिन्न संकेतक रंगों के साथ चिन्हित किया गया है और इन्हें एक नाम और रंग दिया गया है जो मेट्रो द्वारा जाने वाले मार्ग के अनुरूप है। मुख्य सर्कुलर मार्ग लाल रंग में है क्योंकि यह हार्ट ऑफ द सिटी और हार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट है। इसे रिंग रूट, रेड लाइन कहा गया है। तुलजापुर शक्ति स्थल है।
इस रूट पर चलने वाली मेट्रो को नारी शक्ति पिंक लाइन कहा गया है। इस रूट पर सभी व्यवहार महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित किए जाएंगे। स्टेशन स्टाफ से लेकर मेट्रो पायलट तक सभी महिलाएं होंगी। पंढरपुर में प्रसिद्ध पुरातन विट्ठल मंदिर है। इस मार्ग को विट्ठल माउली ऑरेंज लाइन कहा गया है क्योंकि इस मार्ग पर केशरिया फहराया जाता है। बोरामणी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए बनाई लाइन किसानों को समर्पित है। इस लाइन पर कृषि बाजार समिति है, इसलिए इसका नाम कृषि कल्याण ग्रीन लाइन है। अक्कलकोट से स्वामी समर्थ की लाइन स्वामी समर्थ ब्लू लाइन है। एनटीपीसी की ओर जाने वाली लाइन ऊर्जा उन्नति वायलेट लाइन है। मंगलवेढ़ा रोड पर तिरहे से आने वाली लाइन संत नगरी येलो लाइन है। ऐसे नामों की योजना दुनिया में अनोखी है। इनमें से प्रत्येक रूट पर मेट्रो ट्रेन वहां से प्रस्थान करेगी और सोलापुर के रिंग रूट पर पहुंचेगी। रिंग रूट पर पूरी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज यात्रा करने के बाद अपने गंतव्य पर वापस आएगी। इस तरह इनमें से 5 मार्ग और उस मार्ग पर और रिंग रोड पर जाएंगे और इन सभी हिस्सों को तथा रूट के अन्य सभी स्थानकों को शहर से जोड़ा जाएगा। तुलजापुर से आने वाली मेट्रो रिंग रूट रेड लाइन के रूपा भवानी स्थानक को पार कर 7 रस्ते के जरिए शहर में पहुंचेगी। शहर के सभी हिस्से और आसपास का क्षेत्र बहुत ही सरल तरीके से पूरी तरह से जुड़ जाएंगे। जिस क्षेत्र में सोलापुर मेट्रो की सेवा दी जाएगी उसकी आबादी अब 23 लाख है। 2030 तक यह आबादी 30 लाख हो जाएगी। इस मेट्रो लाइन से टेक्सटाइल क्लस्टर, सैटेलाइट सिटी, आईटी पार्क, फिल्म सिटी, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, कार्गो हब, मेडिकल हब, कृषि सेवा, शैक्षणिक केंद्र और स्थायी प्रदर्शनी मैदान जैसे कई केंद्र आसानी से जुड़ेंगे और विकसित होंगे। श्री सुनील कुमार शिंदे कार्गो मेट्रो की एक अभिनव संकल्पना के साथ आए हैं। यह आइडिया दुनिया में बिल्कुल नई है, इसलिए मेट्रो की मदद से ग्रामीण इलाकों में कृषि उत्पाद और शहरी इलाकों में से औद्योगिक उत्पादों को 220 किलोमीटर तक के किसी भी केंद्र पर आसानी से भेजा जा सकता है। इसके जरिए अंतरराष्ट्रीय कार्गो हब, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, प्रस्तावित मुंबई हैदराबाद बुलेट ट्रेन और सूरत चेन्नई एक्सप्रेस हाईवे को आसानी से जोड़ा जा सकता है। अगर किसान रेल से जुड़ जाएगा तो वही सामान सीधे भारत के कई प्रमुख शहरों में जाएगा। इससे लोग तेजी से आगे बढ़ेंगे, उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच संवाद बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा। अगर सोलापुर मेट्रो पैटर्न को अन्य शहरों में अपनाया जाता है तो यह देश के सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी के विकास में बड़ा योगदान देगा। मेट्रो के कारण इस क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन के लिए आने वाले सैलानियों के लिए एक दिन में सभी तीर्थ स्थलों का भ्रमण करना संभव होगा। ऐसे पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और आय में वृद्धि होगी। इस परियोजना के लिए अपेक्षाकृत कम जगह को संपादित करना होगा। ऐसे परियोजना पीड़ितों को मेट्रो मार्ग के विकास में भागीदार बनाया जाएगा और उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। मेट्रो रेल संचालन के लिए आवश्यक बिजली मुख्य रूप से सौर ऊर्जा और गैर पारंपरिक ऊर्जा होगी, जिससे ईंधन की बचत होगी। यह बड़ी मात्रा में सौर ऊर्जा का उपयोग करेगा। सोलापुर का मौसम गर्म है। गर्मियों में शहर का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। साल के लगभग 250 से 300 दिन शहर के आसपास कड़ी धूप होती है। मेट्रो लाइन के समानांतर फाइबर ऑप्टिक्स और 6 इंच का एक्वाडक्ट बिछाया जाएगा। यह 220 किलोमीटर लंबाई का जल ग्रिड बनेगा। इस ग्रिड से किसी भी गांव को मुश्किल की घड़ी में पानी की आपूर्ति की जाएगी। 7 रूट पर 24 घंटे फ्री वाईफाई सर्विस दी जा सकती है। सभी लेनदेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स की मदद से की जाएगी। यह पूरा सिस्टम बिल्कुल अनोखा है। आज दुनिया में कहीं भी इस तरह की व्यवस्था नहीं है, इसलिए हम इसका विपणन दुनिया भर में बी ग्रेड शहरों के लिए एक एक किफायती मेट्रो प्रणाली के रूप में कर सकते हैं। इस मेट्रो के लिए आवश्यक अलग अलग कोच और अन्य सामग्री का निर्माण करके
इस दुनिया भर के कई देशों में बी ग्रेड शहरों के लिए विशेष मेट्रो रेल के रूप में आपूर्ति की जा सकती है। इसे रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। श्री सुनील कुमार शिंदे ने इस प्रणाली का पेटेंट पाने के लिए आवेदन दायर किया है और इसकी प्रक्रिया चल रही है। श्री शिंदे ने अमेरिका के शिकागो में मेट्रो सेवा का गहन अध्ययन किया है। इसे वहां 125 साल से लागू किया गया है। यह मेट्रो केवल परिवहन का साधन नहीं है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह क्षेत्र में माइग्रेशन को रोकने और इसे समृद्ध बनाने और क्षेत्र के विकास को गति देने का एक साधन होगा। मेट्रो रेल न केवल शहर में यातायात की समस्या का समाधान करती है, बल्कि पर्यावरण की भी रक्षा करती है, स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं दूर करती है, यह आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देती है। इसलिए 2017 में केंद्र सरकार ने मेट्रो नीति की घोषणा की है। ऐसी परियोजनाओं को स्थापित करने में अरबों रुपयों का निवेश करना पड़ता है और यह मुख्य रूप से केंद्र से आने की संभावना होती है। इसलिए किसी भी शहर के लिए मेट्रो रेलवे डिजाइन करते समय यह देखना होगा कि यह केंद्र सरकार की मेट्रो नीति के अनुरूप है या नहीं। श्री सुनील कुमार शिंदे ने इस बात का ख्याल रखा है कि सोलापुर मेट्रो रेलवे परियोजना केंद्र की नीति के अनुरूप होगी। सोलापुर मेट्रो रेलवे के निर्माण की लागत अन्य मौजूदा मेट्रो रेलवे की तुलना में 50-70% कम है। नतीजतन निवेश पर अच्छा रिटर्न प्राप्त किया जा सकता है। केंद्र की मेट्रो नीति में कई सूत्र निर्धारित किए गए हैं कि मेट्रो रेल के निर्माण में कौन, कितना और किन शर्तों पर निवेश करेगा। एक सूत्र के मुताबिक मेट्रो के निर्माण का पूरा खर्चा केंद्र सरकार वहन करेगी। दूसरे फॉर्मूले में केंद्र और राज्य सरकारों की हिस्सेदारी बराबर में है। कुछ सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार, राज्य सरकार और निजी निवेश होता है। मेट्रो चालान का काम भी एक निजी कंपनी करती है। कभी कभी पूरी मेट्रो रेल को निजी क्षेत्र में निर्माण, उपयोग और स्थानांतरित करने के सिद्धांत पर निजी क्षेत्र को दिया जाता है। एक बार उनके निवेश का भुगतान हो जाने के बाद मेट्रो को सरकार को सौंप दिया जाता है। सोलापुर मेट्रो योजना की मुख्य विशेषताएं। सोलापुर की दुनिया भर में एक अलग पहचान होगी। इसके निवेश पर अच्छा रिटर्न मिलेगा। सोलापुर मेट्रो लंबाई में देश की तीसरी और दुनिया की 22वीं मेट्रो सेवा होगी। सोलापुर मेट्रो के लिए मुंबई, नागपुर और पुणे की तर्ज पर सोलापुर के प्रस्तावित फ्लाईओवर डबल डेकर बनाया जाएगा। मेट्रो सबसे ऊपर के स्तर में चलेगी। यह संरचना 100 से अधिक वर्षों तक चलेगी। सोलापुर मेट्रो साल के 50 दिनों यानी पंढरपुर यात्राएं, नवरात्र, कोजागिरी पूर्णिमा और सोलापुर की गड्डा यात्रा और अन्य त्योहारों के दौरान 24 घंटे की सेवा प्रदान करेगी। यह देश की इस तरह की पहली मेट्रो सेवा होगी। सोलापुर मेट्रो का शेड्यूल तैयार करते समय साप्ताहिक, भारतीय और अंग्रेजी कैलेंडर का समन्वय किया जाएगा। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। यह टाइम टेबल यात्रियों को मोबाइल ऐप से पहले ही उपलब्ध की जाएगी। यह मोबाइल ऐप घरेलू और विदेशी यात्रियों और सोलापुर आने वाले पर्यटकों के लिए अपनी यात्रा की योजना बनाना आसान बना देगा। सोलापुर को मेडिकल हब के रूप में विकसित करने में सोलापुर मेट्रो का अहम योगदान होगा। चंद मिनटों में ग्रीन कॉरिडोर बनाने का प्रावधान होगा, जिसे अंगदान जैसे आयोजन में बनाया जाता है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, बुलेट ट्रेन, रेलवे स्टेशन और एक्सप्रेस हाईवे को ऑर्गन डोनेशन संबंधित अस्पताल तक पहुंचने का काम असाधारण गति से किया जाएगा। सोलापुर मेट्रो परियोजना में एजाइल मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे सभी कार्यों को चरणों में और समय पर पूरा किया जाएगा। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन यानी RPA और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पहले दिन से सोलापुर मेट्रो को 100% डिजिटलीकरण हासिल करने के लिए किया जाएगा। सोलापुर मेट्रो की जानकारी क्लाउड कंप्यूटिंग में सुरक्षित रूप से संग्रहित की जाएगी और शेयर्ड सर्विस के माध्यम से सोलापुर मेट्रो पैटर्न के नाम से
दुनिया को उपलब्ध कराई जाएगी। मेट्रो सेवाएं शुरू करने से दुनिया के सभी बी ग्रेड शहरों को फायदा होगा। सोलापुर मेट्रो सोलापुर के विकास का बैकबोन होगी। यह दुनिया की एकमात्र परियोजना होगी जिसे 100 से अधिक वर्षों के लिए डिजाइन किया गया है। सोलापुर मेट्रो श्रमिकों, उद्यमियों, पुलिस, किसानों, शहरवासी, वारकरी, छात्रों, चिकित्सा सेवा प्राप्तकर्ताओं और प्रदाताओं के लिए वरदान साबित होगी। सोलापुर मेट्रो सेवा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे। महिला, बुजुर्ग और छात्र छात्राओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए चारों प्रहर सुरक्षा कर्मी तैनात होंगे। सभी मेट्रो स्टेशनों के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्र को मोबाइल ऐप से नियंत्रित साइकिल और इलेक्ट्रिक वाहनों की मदद से लास्ट माइल कनेक्टिविटी के सिद्धांत पर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। सोलापुर मेट्रो निर्माण और उसके वास्तविक क्रियान्वयन की प्रक्रिया में कई कीर्तिमान स्थापित होंगे। आम आदमी का सपना है मेट्रो यात्रा से आगे बढ़ना।